वालेकुम ओके uh, okay, जी अब हमने फोरेंसिक मेडिसिन के बारे में देखते हैं कि हमने इसको कैसे थर्ड ईयर में जो है वो स्टडी करना है uh, फोरेंसिक जो है uh, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट इस सेंस में है कि बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री की तरह इसकी भी कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है ठीक है जैसे हमने पैथो में पढ़ा कि उसकी रोबिन है इसी तरह हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा कि उसकी मिनी कैटसंग है और बीएस में हम पढ़ेंगे मॉडरेट रहना इंफरेंस हैं इसमें ना एक स्पेसिफिक बुक नहीं है कि जिसके अंदर से हमें श्योर हो के पेपर इसी में से आएगा तो तीन बेसिक बुक्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो हमने ओवरव्यू थर्ड ईयर का था कि आपने एनआरए लेनी है शहबाज लेनी और फरीद लेनी है अब इसको पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताता हूं आ, बुक्स अगेन होगी पारिख आप हाँ पी डी एफ में भी रख सकते हैं आ, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको खरीदें लेकिन अगर ले लें तो कोई मसला नहीं अच्छा इसका देखिए तो हमारे पास मार्क्स का टीयन है मार्क्स मार्क्स का टोटल जिसमें टेन टेन मार्क्स यानी ट्वेंटी मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं बाकी रिटर्न जो बचते हैं नाइनटी मार्क्स का है जिसमें फोर्टी फाइव अगेन आपके एमसी क्यूज एंड फोर्टी फाइव नाइन एस सी क्यूज आपके ठीक है और वाइवा में आपकी जो नाइनटी मार्क्स उसमें ट्वेंटी ट्वेंटी का वाइवा होता है फोर्टी मार्क्स की ओए होती है और टेन मार्क्स की आपकी जो नोटबुक या प्रैक्टिकल बुक आप बनाते हैं वो होती है अब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं इसका टी ओ एस कैसे होता है अगर वो हम देखें तो आपके पास जो सबसे पहले ला का टॉपिक आता है उसमें से आपका एक एस सी क्यू है पांच एमसी क्यूज है थेनाटोलोजी में से एक एस सी क्यू तीन एम सी क्यूज है ट्रोमा देखें एक एस सी क्यू है और नो एमसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए और पर्सनल आइडेंटिटी एक, SCQ, और, हैं। में एक SCQ, चार हैं। और इसी तरह सेक्सोलॉजी में से एक एस सी क्यू चार एमसीक्यूज है सो जो ट्रोमा का ही एक पार्ट है फोरेंसिक सेक्सोलॉजी भी तो ये इसी से रिलेटेड थोड़ा सा होता है ठीक है क्योंकि इसमें मिस कैरिज चाइल्ड ट्रोमा और ये सारी चीजें आ जाती है और टॉक्सिकोलॉजी में जनरल में एक और स्पेशल में दो सो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन नाइन आपके बनते हैं और आपके इसी तरह फोर्टी फाइव एमसीक्यूज इसमें से भी जिस तरह हमने आ, बात की थी फार्मा में कि आपकी जो है वो कीमो बहुत मेजर पोर्शन है इसी तरह इसमें टॉक्सी आपका मेजर पोर्शन है देखें तीन है आपके एससी क्यूज और ऑलमोस्ट आपके ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन आपके एमसीक्यूज इसमें से आने तो ऑलमोस्ट थर्टी टू थर्टी फाइव मार्क्स का पेपर है नाइनटी में से यानी रिटर्न आपका 90 है थर्टी फाइव ऑलमोस्ट अगेन वन थर्ड ऑफ योर जो रिटर्न है उसमें ठीक है इसी तरह आपके प्रैक्टिकल में भी इसका काफी पोर्शन वाइवा में, में भी पूछा जाता है और ऑस्वी में भी काफी सारी चीजें आती है ठीक है तो ये आपका बड़ा मेजर बल्क और पोर्शन बनता है ठीक है तो अब हमने देखना है कि हमने कहाँ से जो है ये चीजें करनी ला की बात करें ला में भी ये है कि आपके एन के तीन चैप्टर्स हैं, आपने वही अच्छे से करने प्लस शहबाज से हमने क्या चीज करनी है जितने भी लाज हैं, उनके जो सेक्शन हैं और उन पे जो पनिशमेंट है ये एन में नहीं लिखी हुई थे आपने ये शहबाज से करनी है पर्सनल आइडेंटिटी आपने सारा का सारा एनआरए से करना है इसमें बच आ, बस आपने दो चीजें जो है वो हमने शहबाज से ऐड करनी है एनआरए के ऊपर ही आप चाहे ऐड ऐड कर लें एक आपने आपने इंडिसेस सारे करने हैं हैं और सेकंड नंबर पे रेस के जो डिफरेंसेस वो पे ऐड करने वो मैं आपको गाइडलाइन में बता दूंगा थेटोलॉजी की बात करें ये आपने शहबाज से ही करना और एनआरए के टेबल सिर्फ करने हैं ट्रोमाटोलॉजी मोस्ट एक्सटेंसिव टॉपिक है इवन टॉक्सी से भी एक्सटेंसिव है लेकिन इसका टाइम काफी लगता है लेकिन ये आपने सारा का सारा एनआरए और शहबाज से मिलके करना है ठीक है एनआरए से आपने क्या करना है पहले आपने जनरल जो है वो शहबाज से करेंगे हम लोग और स्पेशल ट्रोमा जो है वो हमने उसमें कुछ चीजें एनआरए से करेंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा टॉक्सी शहबाज से स्पेशल टॉक्सी भी शहबाज से टॉक्सी एन आर एहबाज से और सेक्सोलॉजी लास्ट में जो नहीं लिखा हुआ मिस हो गया था वो हमने एनआरए से करनी है ठीक है सो so, इस तरह से आपका ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा अच्छा अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है थोड़ा सा मैं आपको वो गाइड कर दूं कि हमने इसको पढ़ना कैसे बेसिकली फोरेंसिक ना सबसे मसला बड़ा यही है कि अगेन कोई बुक स्पेसिफिक नहीं है ठीक है एम सी क्यू से भी आ सकते हैं एम सी एन आर से भी आ सकते हैं पारिक से भी आ सकते हैं किसी की भी लाइन उठा के वो दे सकते हैं तो फिर हमने स्टडी कैसे करना है

हर दफा इसके ऑलमोस्ट यही मसला होता है कि दस बारह एमसी क्यूज ना ऊपर नीचे होते हैं और उसमें काफी इशू आता है तो आपने ये करना है इसके के लिए आपने एक तो पास्ट पेपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है दूसरा ये करना है कि आपने जब एक दफा रीड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपने दोनों बुक से रीडिंग देनी है शेबाज को भी रीड दे लें और एन आर ए को भी पूरा टॉपिक रीड दे क्योंकि इसके आठ से नौ टॉपिक हैं बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका सिर्फ एक ट्रोमा इसकी ट्रोमा आप सिर्फ एक एक बुक से कर लें क्योंकि वो इजीली हो जाती है बाकी आप एक दफा कोशिश करें कि दोनों बुक से हल्की फुल्की रीड जो जो है वो दे लें टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको बताए जाएंगे क्योंकि उसी में से एमसीक्यूज आते हैं तो आपके एमसीक्यूज भी काफी हद हाँ तक कवर हो जाएंगे प्लस पास्ट पेपर तो हम करेंगे और उसके साथ जो हम एडिशनल चीज करेंगे वो मैंने आपको बता दी है गाई टू एच के एम सीक्यूज हम करेंगे ठीक है

तो हम स्टार्ट करेंगे ला से ला आपने स्टार्ट करना है एन आर एन आर ए की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट बिलीव मी कि एक दो दफा आप पढ़ेंगे तो आपके वो बिल्कुल अच्छी याद हो जाएगी ठीक है उसको आप थोड़ी सी अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं डेफिनेशन तो अच्छी याद करें तो आपकी सारी की सारी वर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी तो ये फोरेंसिक के बारे में छोटी सी डिस्कशन थी तो इनशाला हम जो है वो इसके जो मुश्किल टॉपिक है खासतौर पर ट्रोमा के लेक्चर जो है वो हम जरूर अपलोड करेंगे ताकि आपको उसमें आसानी हो और इसके लिए कोई स्पेसिफिक लेक्चर्स नहीं है बट मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारी एक प्रोफेसर हैं अगर उनसे मैंने बोला अगर वो लेक्चर सारे रिकॉर्ड कर दें तो इनशाला मैं आपको उनके लिंक शेयर कर दूंगा अगर वो ना कर सके तो कुछ टॉपिक्स जो है जरूर हम खुद बना के आपको पोस्ट कर देंगे ठीक है चले जी थैंक यू अल्लाह हाफिज